तो दोस्तों आज जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है कमाल का। और वो क्या है चलिए देखते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस कर लिया था और हम लोग बैलेंस शीट के इस पॉइंट पर पहुंच गए थे। अब हम लोग आगे चलने वाले हैं और आज हमारे कॉन्सेप्ट में क्या क्या नया मिलने वाला है चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि हम लोग ब्लैंक चेक कैसे इशू कर सकते हैं, उस ब्लैंक चेक को यूज कैसे किया जाएगा अपने बिजनेस के अंदर। और फिर उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि अगर किसी पार्टी से आप एसेट खरीद रहे हैं वो भी उधार में, तो उन्हें कैसे सेटल किया जाएगा। और उसके साथ साथ हम लोग ये सीखेंगे कि अगर आपकी डिस्काउंट पर परचेजेस आप कर रहे हैं और वो भी क्रेडिट पर, तो वो कैसे करेंगे। आप लोगों को ये सारी चीजें आज यहां सीखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए देखें, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ब्लैंक चेक आपको देना है और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के लिए देना है। दोस्तों यहां पर पॉइंट है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के लिए आपको ब्लैंक चेक देना है और जो अगला चेक नंबर आपको यहां दिख रहा है वही आपको देना है और बैंक कौन सा है, एचडीएफसी। तो चलिए देखते हैं ये कैसे देंगे। तो इसके लिए आप टैली पर आइए और टैली पर आने के बाद सबसे पहले आप जाइए बैंकिंग पर। बैंकिंग पर जाने के बाद चेक रजिस्टर, और इस पर जाने का तरीका मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था, क्या आप लोगों को पता होगा, याद है ना जी। चलिए तो यहां पर आप लोग को जाना है एचडीएफसी बैंक पर, क्योंकि हमें एचडीएफसी का ही चेक इशू करना है ब्लैंक। ओके, तो हम लोग एचडीएफसी बैंक पर जाएंगे, अपना चेक रेंज सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमारा जो चेक है अब वो है 17,804, जिसे हम ब्लैंक चेक के तौर पर इशू करने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर इसे करेंगे कैसे, इसके लिए हम लोग इस पर स्पेस बार मारेंगे और यहां पर हम लोग अगर ऑल्ट एस प्रेस करेंगे तो यहां पर हमें मिलता है ब्लैंक चेक का ऑप्शन। तो दोस्तों ब्लैंक चेक के ऑप्शन को आप देख रहे हैं, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहां पर एक एरर मैसेज देगा जो कि आप देख सकते हैं यहां मेरी स्क्रीन पर आ रहा है। ये एरर मैसेज क्या है, बिकॉज आप ब्लैंक चेक को तब तक नहीं ले सकते जब तक आपने पेमेंट वाउचर को जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन पर एक्टिवेट नहीं किया हो। जी हां, आप जानते हैं कि कोई भी एंट्री आप जीरो वैल्यू से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सर ये क्या बात है, चलिए समझाइए। तो चलिए दिखा देता हूं मैं आप लोगों को कि मैं क्या कह रहा हूं। तो इसके लिए मेरे को चलना पड़ेगा ऑल जी और यहां पर वाउचर क्रिएट करने पर चलना पड़ेगा यहां पर एंट्री। तो दोस्तों यहां पर एक चीज नोटिस करिए, जैसे ही मैं यहां पर कोई भी एंट्री पास करता हूं, लेट सपोज मैं यहां पर ऑफिस रेंट पे करता हूं और ऑफिस रेंट में कोई भी अमाउंट नहीं डालता, तो ये मेरे को आगे नहीं बढ़ने देगा। दोस्तों यहां ध्यान से पॉइंट समझ लीजिए, क्योंकि आप बिना अमाउंट के इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, अमाउंट तो आपको डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिना अमाउंट डाले आप कोई ट्रांजेक्शन करें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए आपको करना होगा ऑल्ट जी और यहां पर आपको जाना होगा ऑल्टर मास्टर पर। यहां पर आप जाएंगे वाउचर टाइप पर और यहां पर आप जाएंगे पेमेंट वाउचर पर। दोस्तों पेमेंट वाउचर आपको जाना होगा। पेमेंट वाउचर पर जाने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा, देखिए ये रहा वो ऑप्शन, दैट इज अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसे आपको यस करना होगा। बेसिकली इस ऑप्शन को यस करने पर ही आप लोग ये एंट्री एक्सेप्ट कर पाएंगे, और क्योंकि उसमें ब्लैंक चेक होता है और ब्लैंक चेक के अंदर कोई भी अमाउंट नहीं होता, तो बेसिकली इस ऑप्शन को आपको सिर्फ यस करना होगा। तो इस ऑप्शन को यस करके कंट्रोल ए प्रेस करिए और जैसे ही आप वापस उस स्क्रीन पर लैंड करेंगे तो अब देखिए दोस्तों ब्लैंक चेक वाली स्क्रीन खुल गई है ना, क्लियर है ना दोस्तों। तो ये आप लोगों को करना है। तो चलिए अब देखिए यहां पर आपने एचडीएफसी बैंक तो सिलेक्ट कर लिया है, एक बार डेट को चेक कर लेते हैं। हमारी डेट जो है 31/5 है, वो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग को यहां पे इलेक्ट्रिसिटी का जो है एक्सपेंस लेना होगा। तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग नहीं, मुझे इलेक्ट्रिकल एक्सपेंस चाहिए, तो मैं यहां पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का लेजर जो है बना लेता हूं। इलेक्ट्रिसिटी का लेजर जो है मैंने यहां क्रिएट कर लिया है, जो कि आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए और यहां देखिए अमाउंट इसने मेरे से नहीं पूछा, मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं, सिर्फ ये चेक नंबर को यूज करेगा, अमाउंट इसने मेरे से आस्क नहीं किया है, ठीक है। तो अब इस एंट्री को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस एंट्री का इंपैक्ट अभी आपकी आपके लेजर पर, आपके वाउचर पर कहीं नहीं पड़ेगा, बिकॉज अभी ये ब्लैंक है और ये एंट्री आप अभी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद आप लोगों को ब्लैंक चेक के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको दिख ही रहा होगा, अब आपका एक सेक्शन आ गया है ब्लैंक चेक का, जहां पर आपको ब्लैंक चेक दिख रहा है और कैंसिल चेक तो मैंने किए थे वो भी आपको दिख रहे हैं।
तो दोस्तों अब क्या करना होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो यहां पर आपको बोला गया है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो आपने बुक किया था उसमें आप लोगों को 11,200 का जो एक्सपेंस है बुक करना है और उसकी डेट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 11,200 का अमाउंट आप उसमें डालिए और फेवरिंग नेम में BSES राजधानी पावर लिमिटेड डाल दीजिए, क्योंकि इसके फेवर में आपको वो चेक काटना है। ठीक है, तो चलिए इसे कैसे करेंगे, इसके लिए वापस से आप ऑल जी प्रेस करें और यहां पर लिखे रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर, चेक रजिस्टर, जी हाँ चेक रजिस्टर पर आप जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, HDFC पर एंटर प्रेस करेंगे और यहां पर आपको ब्लैंक चेक दिख रहा है तो यहां पर इस एंट्री के ऊपर आपको एंटर प्रेस करना होगा और एंटर प्रेस करने के बाद आप लोग सिंपली यहां पर इसका अमाउंट एंटर कर देंगे और एंटर कितना करेंगे 11,200, तो 11,200 आपने डाल दिया है, वही अमाउंट आप लोग को यहां पर दिख रहा है, एंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट करना है और यहां पर फेवरिंग नेम जो है एंटर कर दीजिए BSES राजधानी पावर लिमिटेड और फिर नरेशन एंटर करिए और आपका काम हो चुका है। तो ब्लैंक चेक अब हट चुका है और अब आप देखिए ये आपका एक प्रॉपर चेक हो चुका है जिससे आपने इशू कर दिया। अगर आप एस्केप करेंगे तो यहां पर आपको ब्लैंक चेक नहीं दिखाई देगा, ब्लैंक चेक के सेक्शन से सारी एंट्रीज रिमूव की जा चुकी हैं। तो इस तरीके से ब्लैंक चेक को इशू किया जाता है। चलिए बात करते हैं अगली एंट्री की, इसमें आप लोग को परचेज करना है फर्नीचर, वो भी दिव्यांश इंडस्ट्री से। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करेंगे, इसे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी एंट्रीज आप लोग फिक्स एसेट की कर रहे हैं वो आप लोग परचेज वाउचर में नहीं, आप जर्नल में करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा वाउचर में और वाउचर में जर्नल एंट्री पे जाने के लिए आप लोग को सिंपली प्रेस करना है F7। तो F7 प्रेस किया, उसके बाद आप लोग यहां पर डेट डालेंगे जो कि डेट यहां पर गिवन है, कितनी है तो यहां पर आपको डेट गिवन है 1/6, तो 1.6 डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहां पर दिव्यांश से खरीदना है, क्या खरीदना है आपको यहां पर फर्नीचर, तो फर्नीचर आपके पास पहले से है आप लीजिए और आप लोगों को जो फर्नीचर खरीदना है वो 3,24,000 रुपए का। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहां पर क्रेडिट करना है, क्रेडिट किसको करना है, दिव्यांश को। तो यहां पर आपको एक लेजर क्रिएट करना होगा दिव्यांश इंडस्ट्रीज, तो यहां पर आपने एक लेजर क्रिएट किया दिव्यांश इंडस्ट्रीज जो कि आप लोग रखेंगे क्रेडिटर के अंदर, क्योंकि आप क्रेडिट पर परचेस कर रहे हैं तो ये क्रेडिटर रहेगा आपका। कंट्रोल ए प्रेस कर देते हैं और ये अमाउंट यहां पर आप लोग को देखिए दोस्तों, यहां पर ये इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसके अंदर आपसे पूछा गया है कि ये जो है आप लोग ये एडवांस है, ये अगेंस्ट है, ये न्यू है या ऑन अकाउंट है। देखिए दोस्तों यहां पर ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि ये ऑन अकाउंट है, क्यों, क्योंकि यहां पर आपको कोई बिल नहीं दिया हुआ, देखिए यहां पर कहीं बिल का कोई नंबर मेंशन नहीं है, तो आपको क्या करना होगा यहां पर ऑन अकाउंट लेना है। अगर एडवांस दिया होता तो आप एडवांस ले सकते थे, किसी पुराने बिल की पेमेंट कर रहे होते तो अगेंस्ट लेते थे, अगर बिल नंबर दिया होता तो न्यू रेफरेंस ले लेते, लेकिन अभी आपको कुछ भी गिवन नहीं है तो आप यहां पर क्या लेंगे ऑन अकाउंट ले लेंगे और एंटर प्रेस करके नरेशन डालिए, आपका काम हो जाएगा। तो यहां पर इस तरह से ये एंट्री कंप्लीट हुई। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों परचेज की, लेकिन यहां पर परचेज करते समय आप लोगों को डिस्काउंट का प्रोसीजर भी फॉलो करना है। ये देखिए डिस्काउंट भी आपको दिया हुआ है, तो अगर आप परचेज के लिए F9 प्रेस करते हैं तो आपके पास क्वांटिटी का कॉलम आ रहा है, रेट का कॉलम आ रहा है और अब आपको यहां पे परसेंटेज का कॉलम भी चाहिए, यानी डिस्काउंट परसेंटेज का कॉलम भी चाहिए। तो वो कैसे आएगा, इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे करना है और उसके लिए एक और तरीका मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले एक ध्यान रखिएगा, यहां पर नेम ऑफ आइटम आना बहुत जरूरी है, आपको यह ध्यान रखना है कि कहीं नेम ऑफ आइटम ना आ रहा हो तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, इसलिए कंट्रोल एच प्रेस करके जरूर चेक कर लीजिए कि आपका आइटम इनवॉइस एक्टिवेट हो रखा हो, अकाउंटिंग इनवॉइस नहीं आइटम इनवॉइस, ध्यान रखिएगा। ओके, तो सबसे पहले आप डालते हैं यहां पर डेट, तो डेट हमारी है 2/6 हमने डाल दी और जो इनवॉइस नंबर है वो यहां पर गिवन है, तो आप इनवॉइस नंबर को कॉपी करिए और पेस्ट करिए। लेकिन 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 ये काम करने से पहले एक काम जरूर करना पड़ेगा आपको, यहां पे डिस्काउंट का कॉलम नहीं आ रहा है तो वो आपको लाना पड़ेगा। वो कैसे लाएंगे, उसके लिए आपको प्रेस करना होगा F11। तो F11 आपने प्रेस किया, यहां पर आप लोगों को शो मोर फीचर्स को यस करना पड़ेगा। यहां शो मोर फीचर्स जैसे यस करेंगे तो यहां पर आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसे आप यस कर दीजिए और कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए और जैसे ही आप ये करेंगे अब आप देख सकते हैं यहां पर डिस्काउंट का एक कॉलम आपके पास अपीयर हो चुका है। एंटर प्रेस करिए और यहां पर पार्टी का नेम जो भी आपको बताया गया है, यहां शिव शक्ति ट्रेडर्स जो कि आपकी पार्टी नहीं है, तो यहां पर आपको क्रिएट करना पड़ेगा शिव शक्ति ट्रेडर्स।
इसे क्रेडिटर लीजिए और कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए क्योंकि कोई डिटेल्स और नहीं दी हुई है। उसके बाद आपको परचेज अकाउंट लेना है और यहां पर नेम ऑफ आइटम में आपको ये सारे आइटम्स ले लेने हैं। मैं ले लेता हूं और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहां पर गोडाउन भी आपको ध्यान से देखकर लेना है करोल बाग, और यहां क्वांटिटी आपको दी है 50 और 500 का रेट है, डिस्काउंट का परसेंटेज 2% है। इस तरह से आपको सारी की सारी एंट्रीज को ले लेना है। तो मैं एक बार ले लेता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। तो इस तरीके से मैंने सारी की सारी एंट्रीज ले ली हैं और यहां पर एक आइटम है जिस पर डिस्काउंट का जो रेट है वो स्पेसिफाइड नहीं है। तो इस तरह से आप लोग ये एंट्री कंप्लीट कर लेते हैं और यहां तक की एंट्रीज हो चुकी हैं आप लोग की और हम 25 क्वेश्चंस कर चुके हैं अभी तक। तो इतनी सारी वीडियोज में हमने 25 क्वेश्चंस कवर अप किए हैं और इसमें काफी कुछ सीखा है, काफी कुछ समझा है। तो आई होप आपको इस वीडियो में भी काफी कुछ देखने को मिला होगा। चलिए दोस्तों अब फटाफट से इसे एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद एक बार आपको बैलेंस शीट का व्यू दिखा देते हैं। तो बैलेंस शीट पर अगर आप जाएं तो ऑल्ट एफ वन करने पर यहां देखिए आप लोग की बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार की दिखाई देनी चाहिए और उसका टोटल ये आना चाहिए अगर आप यहां तक का काम कर चुके हैं अपनी टैली में। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। आप लोग मेरे साथ साथ अपनी कंपनी में सारे काम को करिए और मैच करते रहिए वो सारी चीजों को जो मैं कर रहा हूं यहां पर। तो आपको ये सारी चीजें मैच करनी है। आपको यहां पर कोई दिक्कत आई अभी तक जितनी भी एंट्रीज आपने पास की कोई दिक्कत आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।